साढ़े सात साल में तीन बातें हैं जो मैंने फील करी है सबसे पहला विश्वास नंबर दो विजन और नंबर थ्री नॉलेज यदि आप वास्तव में डायमंड जानना चाहते हैं तो एक ही बात समझ लें सबसे पहला विश्वास यदि सिक्योर लाइफ के ऊपर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पे और हमारे अप्लायंस पे जो कि सिर्फ पहले दिन सिर्फ आपको एक सपना दिखाते हैं बसरते उस पर यदि आप विश्वास करें तो तीन से चार साल के अंदर आपकी जिंदगी में भी वो सारे परिवर्तन हो सकते हैं आपकी लाइफ में वो सारे के सारे चेंजिंग हो सकते हैं और वो चेंजिंग जो हिस्ट्रिकल है ऐतिहासिक होंगे जो कभी आपकी लाइफ के अंदर आपके किसी खानदान में नहीं वो चीज अचीव करी होंगी वो सब चीजें हम अचीव कर सकते हैं बसरते पहला काम जो सर ने बताया था मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी ने कि योगेश जी आप कभी डाउट मत करना साढ़े सात साल से यहां तक कोई भैया पता से नहीं मिलते हैं हमारे इस बिजनेस में जब आदमी ज्वाइन होता है तो वही जो दिक्कतें सबसे पहला ऑब्जेक्शन विरोध होना जी घर वालों में मना करना मम्मी पापा को म, म, मम्मी पापा मना करते हैं समाज के लोग मना करते हैं आपके साथ के लोग मना करते हैं जो कुछ

हमारी नॉलेज में हमारी नजर में एक इमेज बनी हुई है दोस्त उस इमेज से आप डायमंड नहीं जाएंगे आपको एक नई इमेज क्रिएट करनी है और उसके राइटर हम खुद होंगे हम अपना इतिहास खुद अपने हाथ से लिखेंगे और उसके लिए एक ही बात है जो पिछले लगातार सुबह से बता रहे हैं कि उसके लिए काम 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 और काम करके वो इमेज बन सकती है दोस्त भीड़ का हिस्सा होते थे हम साढ़े सात साल पहले टिकट मिलती नहीं थी सीट कभी मिला नहीं डायमंड बनने से पहले हमेशा एक ही तकलीफ थी एक ही परेशानी थी कि कैसे भी करके किसी भी कीमत पर कितनी परेशानी हो हम लोग डायमंड जाएंगे और दोस्तों वो डिसीजन यदि आपने लिया तो डेफिनेटली आप जाएंगे तो विश्वास आप कर पाएंगे डाउट yeah. तो नहीं करेंगे ना कभी yeah. दोस्त मैं एक दिल से बताता हूं ये बिजनेस उस आदमी का कत्ता ही नहीं है जो बिलीव नहीं करता विश्वास किस पे सबसे पहले खुद पे दुनिया का कोई भी आदमी आपको मना करे अरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिक्योर लाइफ ने हर एक जीरो पे जो आदमी था उसकी जिंदगी बदली है तो बताइए हमारी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? Yeah. बिल्कुल बदल सकती सकती है है बिल्कुल विश्वास विश्वास सबसे पहला विश्वास, हमें अपने आप पे करना पड़ेगा दूसरा विश्वास सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ के ऊपर करना पड़ेगा इस कंपनी ने जो साढ़े बारह साल में एक एक बहुत गरीब इंसान की जिंदगी को बदला है तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में भी रंग भरे जा सकते हैं विश्वास हमें हमारी टीम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो टीम आपके साथ मन लगा के आती है जो टीम एक ड्रीम लेके आती है कि यस हम भी कुछ करना चाहेंगे दोस्तों उन लोगों का साथ हमें देना पड़ेगा हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेके हम उन लोगों को क्विट कर देते हैं हम उन लोगों को साइड कर देते हैं दोस्त यदि वो आदमी डायमंड नहीं बनना चाहता था यदि उसके सपने नहीं थे तो वो इस बिजनेस में साइन अप नहीं करता क्योंकि ए टी ट्वेंटी का रेशो हमेशा काम करता है आप जब सौ लोगों को साइन अप फॉर्म प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो बीस लोग मुश्किल से डिसीजन ले पाते हैं और साढ़े रुपए का फॉर्म भरते हैं वो आदमी ने फॉर्म क्यों भरा बसरते हमें अपनी टीम के ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा तो दोस्तों इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता डेफिनेटली yeah. दूसरी चीज जो विजन हमें लेना है वो यह लेके चलना है आज हम इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन दोस्तों वहां पर हमें शायद हो सकता है आज जीरो पोजिशन पे हम लोग इनिशियली लेवल पर हमने बिजनेस की शुरुआत करी है वहां से हो सकता है यहां तक का रास्ता आपको दिखाई ना दे जिस पोजीशन पे अभी हम लोग हैं वहां से डायमंड बनने तक का रास्ता हो सकता है दिखाई ना दे लेकिन आदमी वही रुकेगा जिसको विजन है दूर दृष्टि है दूर तक जो आदमी सोच सकता है डेफिनेटली इस बात को मान के चलिए कि बहुत बड़ा अभी तो मैं बोलता हूं अभी 2013 चल रहा है मैं बोलता हूं दो हजार बीस तक अभी तो इतिहास लिखने की बारी शुरू हुई है दोस्त ग्रेट आदर्श हमारे राजीव चतुर्वेदी जिन्होंने एक बीज बोया था मेरी बात को ध्यान से सुनिए ताली मत बजाइए मेरी आपसे है कि आप ताली ना सर ने आज से दस साल पहले जो विश्वास बोया था जिस विश्वास से एक बीज बोया था सर ने सीड्स की बात करी थी जिस विश्वास को चतुर्वेदी साहब ने आज से दस साल पहले बोया था दोस्त आज भी वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से तो स्टार्ट हुआ है बिजनेस अगले 20 साल में यह बिजनेस कहां तक जाने वाला है यह चीज यदि आपको देखनी है ना उनकी नजर से देखिए एक बार आज इतने सारे लोग बैठे एमराल्ड और रूबी की स्टेज के ऊपर जगह नहीं मिलती है डायमंड्स लोग इतने हैं आप विश्वास नहीं करेंगे हजारों लोग सिक्योर लाइफ में ऐसे हैं जो कि एमराल्ड से ऊपर है अक्सर के नेटवर्क में हजारों लोग हजारों लोग जो कि आज आप मुझे बताओ हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेजी से ग्रो करने का कारण क्या है हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है जनता वो इतनी तेजी से ग्रो ग्रो क्यों कर रही है गरीबी नहीं अरे मेरे भाई लगे पड़े हैं लोग छपाई करने जितने ज्यादा लोग छप, छपाई करेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्शन होगा और नो दस साल पहले चतुर्वी साहब सिर्फ अकेले थे छापने वाले आज साढ़े नौ लाख लोग उनके साथ हैं एक साल का भविष्य देख रहे हो दस साल का देख रहे हो अरे आदमी नौ महीने में एक तैयार होता था होता था कि नहीं होता था तो किसी ने यदि देखो ये भी तो नेचर की प्रकृति की भगवान का दूरदृष्टि तो होगा ना पैदा करने वाले को नहीं पता था कि जिसको पैदा कर रहा हूं साला जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा लेकिन उसको पता था बेटा एक से दो, दो से चार चार से आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ साढ़े नौ लाख से अठारह लाख अठारह लाख से छत्तीस लाख जब दो की चार हो सकते हैं तो अठारह लाख के छत्तीस लाख नहीं, नहीं होंगे क्या होंगे कि नहीं होंगे बिजनेस उसका चलेगा जो रुकेगा बिजनेस उसका चलेगा जो रुकेगा स्टेज पे बिजनेस उसका चलेगा जो लगातार ट्रैक पे दौड़ेगा उसका नहीं चलेगा जो पंचर के साइड में बैठ जाएगा पंचर वालों को जुगाड़ बोला जाता है जुगाड़ लग भी गया अपलाइन के पास पहुंच जा खटाक से चेपी लगवा ले नहीं तो वो होल हो जाएगा उसमें पर नहीं लगेगा यह ध्यान से समझ ले पिंचर लग गया तुरंत अपलाइन के पास भग जा बचाव तेरा वही है अदरवाइज दुनिया में कहीं बचाव नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों का पिंचर के टाइम पे इलाज करवाया नहीं होल हो गया हमने फूक मारा नीचे से फूस ऊपर से हम मारते नीचे से निकल जाता क्या करें दोस्त, यही विजन। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा ढाई साल की बोलते हैं तीन साल की बोलते हैं हमारे पास मार्क्सवाद के सिद्धांत मैंने पढ़े हैं और मार्क्सवाद ने बोला था गरीब इंसान के पास लाइफ में कुछ खोने के लिए है नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है पूरा लाइफ पड़ा है पूरा एक जो चीज वो सोच सकता है वो चीज पड़ा है गरीब आदमी के लिए और हम सारे लोग कोई भाई बिडला के नहीं है नहीं तो पिछले आठ घंटे से या कुर्सी पैसे होते गरीब तो है और नो yes. और अमीर पे बनना चाहते हैं और नो yes. दस साल रुकने का डिसीजन ले दस साल अगले दस साल में वो नेटवर्क अरे अभी तो सिस्टम ने खूबसूरती का दामन पहना है मेरे भाई